A ball is dropped vertically downwards. It hits the floor with a velocity of 9 meter per second and bounces to a distance of 1.2 meter. Coefficient of restitution between the floor and the ball is option A 0.45, B 0, C 1 and D 0.27. ऑप्शन ए है 0.54। तो हमें फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन ये है कि एक बॉल है, ठीक है, वह वर्टिकली किसी ग्राउंड पे गिराया जाता है, ठीक है। तो इस बॉल को जब वर्टिकली ग्राउंड पे गिराया जाता है, सो ये ग्राउंड क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। ये ग्राउंड क्या है, रेस्ट पे है। तो जब इस बॉल को वर्टिकली ग्राउंड पे गिराया जाता है विथ 9 मीटर पर सेकेंड से, जब इस बॉल को वर्टिकली 9 मीटर पर सेकंड से गिराया जाता है, तो ये बॉल जो है 1.2 मीटर डिस्टेंस जो है ये बाउंस करता है, ठीक है। यानी कि ये बाउंस करने के बाद जो डिस्टेंस है वह उछलता है, यानी कि बाउंस करता है, वह है 1.2 मीटर, ठीक है। यानी कि इसका जो हाइट हो गया, जो बॉल रिटर्न बाउंस करता है, वह है 1.2 मीटर। तो हमें कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड करना है बिटवीन द फ्लोर एंड द बॉल, ठीक है। तो इस ऑप्शंस में से सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है, ये ऑप्शंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हमारा ऑप्शन बी होता तो हमारा इसमें जो कोलिजन होता ये होता इनएलास्टिक कोलिजन। ये जो क्वेश्चन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है, जो कि इसे एसएससी जेई 2014 में पूछा गया है। एसएससी जेई 2014 का क्वेश्चन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, ठीक है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से ये कोलिजन टॉपिक का क्वेश्चन है। तो अगर ये जीरो होता तो इस केस में हमारा जो कोलिजन क्या होता, इनइलास्टिक होता, इनइलास्टिक। सो यहां क्वेश्चन में इनइलास्टिक दिया है, ना ही इलास्टिक दिया है। अगर ये इलास्टिक होता तो इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता, वन होता, ठीक है। यानी कि वन होता तो ये केस होता इलास्टिक, और जीरो होता तो ये होता इनइलास्टिक। अब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, तो इन दोनों ऑप्शंस में से करेक्ट होगा जो कि हमें फाइंड करना है। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये होता है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। ये रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इट मींस कि जो वेलोसिटी है वह टकराने के बाद का वेलोसिटी, सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताता है कि वेलोसिटी जो है वह दो बॉडी के टकराने के बाद का वेलोसिटी, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है जो दो बॉडी है उससे टकराने के पहले का वेलोसिटी। सो ई को हम लिखते हैं v2 - v1 / u1 - u2, जहां पे u1 एंड v1 है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1, u1 एंड v1 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1, ठीक है। ये बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। यूवन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, यूवन एंड वीवन के केस में, ठीक है। अब यू टू एंड वी टू, सो U2 एंड V2,
यू टू और वी टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी टू बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ बॉडी टू बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। समझ गए, U1 V1 एंड U2 V2 क्या है। अब देखते हैं, अगर हम यहां पे इसको बॉडी वन मान लेते हैं, ठीक है, इसको हमने बॉल को बॉडी वन मान लिया और ये जो फ्लोर है, ठीक है, जो कि रेस्ट पे है, इसको हमने बॉडी टू मान लिया। अब इसका हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालते हैं, ये क्या है, रेस्ट पे है तो इसको हमने बॉडी टू मान लिया। अब इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालेंगे, सो यहां पे क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, h दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्या दिया है, v दिया है। अब कौन सा v दिया है इसको फाइंड करते हैं। सो ये वेलोसिटी है, v नहीं कहते हैं, ये वेलोसिटी। तो यहां पे इक्वल्स टू है v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2, यानी कि इस वैल्यू को हम पुट करते हैं तो कौन कौन सा वैल्यू हमारा दिया है, इक्वल्स टू v2 माइनस v1, यानी कि v2 क्या है, v2 वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, यानी वेलोसिटी ऑफ बॉडी ये टू यहाँ पे होगा, ठीक है, बिफोर एंड यानी कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी टू आफ्टर कोलिजन, यानी कि बॉडी टू का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे बॉडी टू का वेलोसिटी क्या है, ये तो रेस्ट पे है बिफोर एंड आफ्टर, सो ये हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट वी वन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी वन, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी वन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, यानी कि आफ्टर कोलिजन यहाँ पे दिया V1, so V1 क्या दिया हुआ है, आफ्टर कोलिजन, यानी कि यही हमें, ये हमें नहीं दिया है, ये फाइंड करना होगा पहले, ठीक है। नेक्स्ट है U1, U1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी वन बिफोर कोलिजन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी वन ये दिया हुआ है 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, नीचे की ओर आ रहा है इसलिए इसको हम प्लस ले ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है U2, यानी वेलोसिटी ऑफ बॉडी टू, ठीक है, बिफोर कोलिजन, तो ये भी क्या है, जीरो। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि वी वन बाय नाइन, ठीक है। अब हमें वी वन का वैल्यू पहले फाइंड करना होगा ई निकालने के लिए, ठीक है। सो वी वन का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगर कोई बॉडी ऊपर से, अगर कोई बॉडी को गिराया जाए किसी हाइट से, तो उस स्थिति में उस बॉडी का वेलोसिटी जो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी उस बॉडी का क्या होता है, ठीक है, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जानते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। यहां पे इस कंडीशन में हमें इसका हाइट तो दिया हुआ है, लेकिन इस स्थिति में हमें निकालना है कि बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, पहले हमें निकालना होगा कि इस बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा जब ये 1.2 मीटर हाइट को बाउंस करेगा, इस बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा जब ये 1.2 मीटर हाइट को बाउंस करेगा। तो जब ये 1.2 मीटर हाइट को बाउंस करेगा तो इसका फाइनली जो वी है, फाइनल वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस स्थिति में ये क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ठीक है, यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, तो यही हमें फाइंड करना है। सो यू स्क्वायर प्लस टू, अब ये ऊपर की जा ये ओर जा रहा है, इसको हम माइनस ले लेंगे, ठीक है, सो माइनस जी इंटू एस, एस दिया हुआ है, एस कितना दिया हुआ है, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। जी हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमने यहां पे जो ये नीचे की ओर जब वेलोसिटी था तो इसका हमने प्लस लिया था, ठीक है, सो यहां पे ऊपर की ओर वेलोसिटी है तो इसको हम माइनस लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू इंटू 9.81 इंटू 1.2, सो यू इक्वल्स टू होगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली जो यू का वैल्यू आ जाएगा वो होगा 4.85 मीटर पर सेकेंड। अब ये यू क्या है, ये यू है वी वन, क्योंकि यहां पे यहां से जब बॉडी बाउंस करेगा, ठीक है, तो यहां से इसका जो बॉडी बाउंस करेगा तो उस स्थिति में इसका जो इनिशियल वेलोसिटी यहां पे होगा, ठीक है, ये यू होगा, ठीक है, और यहां पे जो फाइनल वेलोसिटी
जीरो हो जाएगा, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये होगा v1 के बराबर। सो इस वैल्यू को अब हम यहां पे पुट करेंगे, तो इक्वल्स टू लिखेंगे 4.85 डिवाइड 9। ठीक है, 4.85 डिवाइड 9। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, जीरो, कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, 0. ये 5 से जाएगा, 9 × 5 = 45 इंटू 0.5, फिर 9 × 36 यानी कि 0.54। ये आएगा कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, यानी कि इक्वल्स टू 0.54, ये होगा आंसर, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जो कि दिया हुआ है 0.54। ये बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, इट हिट द फ्लोर विद ए वेलोसिटी ऑफ 9 m/s एंड बाउंसेस टू ए डिस्टेंस ऑफ 1.2 m। कोफिशिएंट ऑफ रेसिट्यूशन बिटवीन द फ्लोर एंड द बॉल इज, तो ये फाइंड करना था, जो कि इसका आंसर आया 0.54, और ये आंसर है ऑप्शन ए, 0.54। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक, कोफिशिएंट ऑफ रेसिट्यूशन, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, और आज का ये क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।